दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप बिल्कुल फ्री में अपनी एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करेंगे और उस पर एस्टेरा के डायरेक्ट लिंक की हेल्प से किस तरह से आप यहाँ से अर्निंग करेंगे। और आज जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें हम जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे के लिए हमें ना किसी होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, ना किसी डोमेन की जरूरत पड़ेगी, ना हम उसको ब्लॉगर पे क्रिएट करेंगे। हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट करने वाले दोस्तों गूगल साइट पे, और उस पर हम अपने एस्टेरा की डायरेक्ट लिंक को इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह से एड करेंगे कि कोई भी विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो 100% वो आपकी डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेगा। और इसमें हम यहाँ पे टारगेट करने वाले यूएसए कनाडा यानी कि यूरोपियन कंट्री को, क्योंकि हम इसमें सिर्फ हॉलीवुड मूवीज को ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इन कंट्री से अगर आपके डायरेक्ट लिंक पे यहाँ पे क्लिक्स आते हैं तो आपको यहाँ पे $1 से $2 तक भी एक क्लिक पे मिल जाता है। तो आज के वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आपको मूवी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट करनी गूगल साइट पे, किस तरह से अपनी डायरेक्ट लिंक को यहाँ पे ऐड करना है, जिससे कि जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा 100% आपके डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेगा और इससे आपकी अर्निंग जनरेट होगी। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 156 वीडियोज में आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल चुका हूँ, व्यूज भी आप यहाँ पे काफी अच्छे आ रहे हैं, आप लोग वीडियोज भी देख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अभी तक बन के सब्सक्राइबर का भी क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए बात कर लेते हैं फुल प्रोसेस की, किस तरह से हमें एक मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट क्रिएट करनी गूगल साइट पे और उसमें एस्टेरा के लिंक को किस तरह से ऐड करना है जिससे कि कोई विजिटर आए तो उस पर क्लिक किए बिना ना जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल पे आना है, गूगल पे आपको सर्च करना है गूगल साइट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल साइट हमें मिल चुका है, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। इसको ओपन करने से पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लॉगिन हूँ। इसके बाद जैसे गूगल साइट्स पे आएंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो यहाँ पे आपको 3-4 अलग अलग तरह के टेम्पलेट मिलते हैं, लेकिन आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना, हमें यहाँ पे ब्लैंक वाले को सिलेक्ट करना है, यानी कि ब्लैंक टेम्पलेट को यहाँ से हम ओपन करेंगे। जैसे आप ब्लैंक टेम्पलेट को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड यानी कि इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें एक कवर फोटो ऐड करना है, तो हमें मूवी से रिलेटेड यहाँ पे कवर फोटो चाहिए और कॉपीराइट फ्री चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे फिर से गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है दोस्तों मूवीज, इस तरह से आपको मूवीज लिखना है और आपको सर्च कर देना है। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे चले जाना है इमेज वाले सेक्शन पे, तो आपको काफी सारी इमेज यहाँ पे मिल जाती है, तो इनमें से भी आप कोई ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉपीराइट फ्री चाहिए तो यहाँ पे टूल वाला आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है, आपको सिंपली टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यूजेज राइट पे जाना है, और इसके बाद में यहाँ पर हमें क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी तरह की इमेज हमारे सामने आ चुकी है। अब इसमें से आप किसी को भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे कि चलिए मैं यहाँ से इस वाली को सिलेक्ट करता हूँ और चलिए इससे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमने इमेज डाउनलोड कर ली। इसके बाद अपनी गूगल साइट पे आएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अच्छी सी इमेज देख लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको जल्दी जल्दी में समझा रहा हूँ कि आपको किस तरह से करना है। यहाँ से अपलोड करेंगे, इमेज वाले सेक्शन पे जाएंगे और जो इमेज अभी हमने यहाँ से डाउनलोड की है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में इमेज आ चुकी है, लेकिन अभी आपको थोड़ी ब्लर देखने को मिल रही है, तो आपको यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपकी इमेज हाईलाइट हो जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से आपको यह आपका टाइटल है, इस टाइटल को सिलेक्ट करके रिमूव करना है और यहाँ पे आपको टाइटल दे देना, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ हॉलीवुड मूवीज, शुरू में मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ से डाउनलोड भी इसमें ऐड कर देते हैं, डाउनलोड हॉलीवुड मूवीज, इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से फुल स्क्रीन पे ले आएंगे, इसके फॉन्ट को थोड़ा हम कम कर देंगे ताकि ये सही से एडजस्ट हो जाए। चलिए 36 पे कर देते हैं, तो ये थोड़ा कम हो चुकी है। इसको ऑल सिलेक्ट करेंगे, इसे बोल्ड कर देंगे, और बोल्ड करने के बाद इसमें हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे थोड़ा। तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर आपको 3 डॉट पे जाना है, और 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको हाईलाइट कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको रेड कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रेड हो चुकी है, अब हमारा टाइटल अच्छे से नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको अपना जो भी साइट नेम देना है वो आप यहाँ पे साइट नाम दे सकते हैं, जैसे कि स्टार मूवीज, आपको अपने हिसाब से दे देना, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आपको सब कुछ किस तरह से करना है। चलिए ये हमने यहाँ पे अपना साइट नेम दे दिया, यहाँ पे अपना बैनर एड कर दिया और यहाँ पे टाइटल दे दिया। अब इसके बाद नीचे हमें सेक्शन एड करना है, तो सेक्शन एड करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, तो इसके लिए हमें यहाँ पे साइड में कॉन्टेंट ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप इस तरह का ले सकते हैं, इस तरह का ले सकते हैं, या फिर दो आपकी इस तरह से नजर आएंगे, एक थंबनेल नजर आएगा। तो मैं यहाँ से ये 3 वाले को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कॉलम वाले हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि हमें यहाँ पे सबसे पहले इमेज ऐड करनी है, तो प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट इमेज पे जाएंगे,
और सिलेक्ट इमेज पे जाने के बाद आपको कोई इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ। जैसे कि ये एक वेबसाइट मैंने ओपन करके रखी हुई है, अभी कोई भी मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट हॉलीवुड वाली ओपन कर लीजिएगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये इमेज है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे और ये जो लिंक वाला सेक्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिंक पेस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी इमेज यहाँ पे फेच हो जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट इमेज करेंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज इंसर्ट हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज कर लेंगे और इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर हमें मूवी नेम ऐड करना है, तो मूवी नेम हमें यहीं पे मिल जाएगा और यहाँ पे आकर मूवी नेम हम यहाँ से इस तरह से कॉपी करेंगे, जो भी मूवी नेम है उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके आपको मूवी नेम पेस्ट कर देना है। चलिए इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा व्हाइट है तो इसका सबसे पहले हम यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, तो फॉन्ट पे जाएंगे और कोई भी एक बोल्ड टाइप का फॉन्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूवी नेम हमारे यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पे हमें डाउनलोड के लिए लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों डाउनलोड और यहाँ पे हम लिख देंगे 4K। अब यहाँ पे हमने लिख दिया डाउनलोड 4K। चलिए इसको भी यहाँ से थोड़ा बोल्ड हम फॉन्ट ले लेते हैं और इसके कलर को हम ब्लैक रहने देंगे और यहाँ पे चलिए इसका कलर मैंने रेड कर दिया, इसके फॉन्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, काफी छोटा दिख रहा है मूवी नेम हमें। चलिए इसको यहाँ से हम कर देते हैं, इतना काफी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले इमेज एड की, यहाँ पर हमने मूवी नेम ऐड किया और यहाँ पे हमने डाउनलोड 4K लिखा। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो ये 4K लिखा हुआ है सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से लिंक इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, इसी वेबसाइट पे जाना और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने भी अपना कोई लिंक नहीं दिया, यहाँ पे IMDB का यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया है, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये लिंक कॉपी कर लिया हमने और यहाँ पे आपको सिर्फ ये 4K वाले में देना है, आपको डाउनलोड बटन में नहीं देना है। यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4K में हमारा लिंक ऐड हो चुका है। अभी जो डाउनलोड लिखा है दोस्तों, इसमें हमें अपना HTTP का डायरेक्ट लिंक ऐड करना है। अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी आपकी वेबसाइट पर आएगा तो सबसे पहले आपके डायरेक्ट लिंक पर ही क्लिक करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि ओरिजिनल लिंक यहाँ पे 4K में लगा हुआ है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, चलिए HTTP पे चलते हैं और HTTP पे चलने के बाद नीचे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक जनरेट की हुई है, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड को सिलेक्ट करेंगे और लिंक इंसर्टिंग में जाकर अपने डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ऐड करके अप्लाई कर देंगे। अब इसके कलर को आप चाहे तो थोड़ा अलग कर सकते हैं, इसकी डाउनलोड के कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसका कलर हम रेड कर देते हैं, तो ये डाउनलोड हमारा रेड कलर में हो गया, 4K हमारा ब्लू कलर में हो गया। ओरिजिनल लिंक 4K में लगी हुई है और डाउनलोड में हमारी HTTP की डायरेक्ट लिंक लगी हुई है। इसी तरह से सेकंड वाले में भी आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट इमेज करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट मूवी की पिक्चर को आपको यहाँ से राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस करना है, यहाँ पे लाना है और लिंक वाले पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी सेकंड वाली भी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके बाद में इसका भी साइज हम यहाँ से इसी के बराबर इंक्रीज करेंगे, चलिए इसको भी हम यहाँ से इसी के बराबर इंक्रीज करेंगे और अब हम कॉपी करेंगे यहाँ पे मूवी नेम। तो इसका मूवी नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बुक क्लब, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, सेम पहले की तरह यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ऑल सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज यहाँ से इसका हम 14 करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट कलर हम इसका रेड कर देंगे और यहाँ से फॉन्ट हम चेंज करेंगे और जो फॉन्ट हमने पहले सिलेक्ट किया था इम्पैक्ट वाला वही यहाँ पर भी लेंगे। तो ये हमारा मूवी नेम यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें सेम वही करना है, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए पूरे को और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो अब आपको सिर्फ यहाँ पे ये 4K का लिंक चेंज करना है, तो ये जो मूवी का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है इसको यहाँ से कॉपी लिंक करेंगे और यहाँ पर सिर्फ 4K के लिंक को हमें यहाँ से एडिट कर देना है, यानी कि बार बार आपको मेहनत नहीं करना है, इसको अप्लाई करेंगे। ये हमारा दो हो चुका है। इसके बाद में चलिए तीसरे पे चलते हैं और तीसरी मूवी के यहाँ से इमेज के लिंक इमेज के एड्रेस को कॉपी करेंगे, वापस यहाँ पे आएंगे, एड करेंगे, सिलेक्ट इमेज करेंगे, यहाँ से फिर से जाएंगे हम अपने लिंक वाले सेक्शन पे और यहाँ से URL पेस्ट करके उसको फेच करेंगे, इंसर्ट करेंगे और इसके भी साइज को हम यहाँ पे इसी के बराबर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में आपको करना है कि इस मूवी का नेम यहाँ से कॉपी करना है, तो चलिए यह हाइपोटिक है, यह हाइपोटिक मूवी का नाम है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे सेम पहले की तरह करेंगे, ऑल सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट साइज यहाँ से 14 करेंगे, फॉन्ट कलर यहाँ से रेड करेंगे और यहाँ से फॉन्ट हम चेंज करेंगे, इम्पैक्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे
तो ये हो चुका है। अब इसके बाद में इसको फिर से कॉपी कीजिए यहाँ पे नीचे डाउनलोड वाले को, और यहाँ पे आ जाइए पेस्ट कर दीजिए। अब डाउनलोड वाले में आपका एसटीडी का जो डाउनलोड लिंक है वो लगा हुआ है, हमें सिर्फ 4K के लिंक को यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ से जो भी लिंक दिया है इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएंगे 4K को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको एडिट करेंगे और इसके लिंक को यहाँ से चेंज कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन पोस्ट हमने यहाँ पे लगा दी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर आपको एक कॉपी का बटन मिलता है, देखिए ये साइड में आप देख सकते हैं, जैसे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम नीचे की साइड कॉपी हो चुकी है। अब आपको इसी तरह से यहाँ पे इमेज चेंज करते जाना है और यहाँ पे लिंक चेंज करते जाना है और यहाँ पे नेम चेंज करते जाना है। तो इस तरह से आपकी वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आप इसको जितना लंबा बनाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी ज्यादा आप मूवी यहाँ पे ऐड करेंगे उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। अब ट्रैफिक के लिए आपको करना है कि नॉर्मली गूगल सर्च से तो आएगा ही आपका ट्रैफिक, इसके अलावा आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर कुछ इस तरह के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हॉलीवुड वाले, और खासतौर से अगर यूएसए वगैरह के ग्रुप आपको मिलते हैं तो उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल को शेयर कीजिए तो वहां से आप डायरेक्ट भी ट्रैफिक लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर किसी भी तरह का ट्रैफिक आए आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे ट्रैफिक लाना है, और ट्रैफिक आएगा जो भी मूवी उसको पसंद आएगी यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे वो सबसे पहले क्लिक करेगा तो हमारा एसटीडी का डायरेक्ट लिंक ओपन होगा, और अगर वो 4K वाले पे क्लिक करेगा तो ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद में जैसे कि आपने वेबसाइट क्रिएट कर ली, अब वेबसाइट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको पब्लिश का बटन मिलता है तो आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट का एड्रेस देता है, जैसे कि मैंने स्टार मूवी रखा है नाम, तो मैं यहाँ पे स्टार मूवीज इस तरह से लिखूंगा। तो ये अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको 143 कुछ भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल है। तो हमारा जो लिंक मिला है हमें वो ये लिंक मिला हमें गूगल ड्राइव का, ये आपको ध्यान रखना है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको कर देना आपको एनीवन पे रहने देना और यहाँ से आपको पब्लिश कर देना है। लीजिए हमारी वेबसाइट यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है, और यहाँ से आप अपनी साइट का लिंक यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉपी हो चुका है। अब इसको आप किसी के भी साथ शेयर करेंगे, जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पे इस वाली विंडो में लेके चलता हूँ, और न्यू टैब ओपन करने के बाद चलिए यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी, जो विजिटर हमारी लिंक पर क्लिक करके आएगा या गूगल के या फिर गूगल की हेल्प से सर्च करके आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से वो आएगा, और अगर वो डाउनलोड वाली लिंक पर क्लिक करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डायरेक्ट लिंक यहाँ पे ओपन हो रहा है, और इसी से हमारी यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। और ओरिजिनल लिंक अपने यहाँ पे 4K पे लगाया हुआ है, इस पर क्लिक करेगा तो वो ओरिजिनल लिंक पे पहुंच जाएगा। तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल लिंक भी उसको प्रोवाइड किए, अब उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें ओरिजिनल लिंक कहाँ पर है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस तरह की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री है, ना आपको डोमेन लेना है, ना होस्टिंग लेनी है, ब्लॉगर पे भी नहीं जाना, यानी कि किस तरह की थीम कस्टमाइजेशन वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आसान से स्टेप आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने यहाँ पे एक इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर ली। अब आपको यहाँ पे इसी तरह से ऐड करते जाना है, ये इमेज के साइज मुझे ज्यादा बड़े लग रहे हैं तो आप थोड़ा छोटा रख लीजिएगा, और यहाँ पे आप इसके बीच में जो गैप है इसको भी थोड़ा कम कीजिएगा, और फॉन्ट कलर आप यहाँ पे ब्लैक रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप वेबसाइट क्रिएट कीजिए, अपनी यहाँ पे डायरेक्ट लिंक ऐड कीजिए, और इसके बाद इसको शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे और जितना ज्यादा इस पर ट्रैफिक आएगा उतनी ज्यादा आपकी यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों के लिए जो भी वीडियो वगैरह अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।